जमीन के सेंटर तक आज तक कोई नहीं गया, लेकिन फिजिसिस्ट ने जलजलों से आने वाली शुआओं से इसके मरकज का अंदाजा लगाया है। जमीन के मैग्नेटिक फील्ड का राज यहीं छुपा है। आप देख रहे हैं द 3D शो और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। जमीन का मैग्नेटिक फील्ड जमीन के अंदरूनी हिस्से से खिला में फैला हुआ है। ये जमीन को सोलर विंड से बचाता है। सोलर विंड सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि जमीन के लिए खतरनाक हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक कंपस जमीन के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करते हैं, जिसकी वजह से समत शनासी मुमकिन हो जाती है। यह मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त जमीन के महवर से 11 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, जैसे कि एक बहुत बड़ा मकनातीस जमीन के दरमियान में इस एंगल पर हो। इस मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक शुमाली कुतुब लिज़मेर आइलैंड कनाडा में है, लेकिन ये असल में जमीन के मैग्नेटिक फील्ड का जनूबी कुतुब बनता है। जमीन का मैग्नेटिक फील्ड हजारों सालों में एक दफा उलटता है और शुमाली और जनूबी कुतुब अपनी जगह आपस में तब्दील करते हैं। मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर के ऊपर का हिस्सा है। यह हिस्सा जमीन की मकनातीसी हद से मुतायजन होता है। जमीन का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे एक साइकिल की डायनेमो लाइट काम करती है। जनरेटर या डायनेमो में जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मेटल कॉइल घूमता है तो उससे बिजली पैदा होती है और साइकिल की लाइट चलती है। यही अमल अगर उल्टा दिया जाए तो नतायज भी उलट जाएंगे, यानी अगर एक मेटल कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरे तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड दायरे की शक्ल में पाया जाएगा। जमीन और हमारे शमसी निज़ाम के कई सयारे, सूरज और बहुत से सितारे एक मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। आइए इसको समझते हैं। जमीन के सेंटर तक आज तक कोई नहीं गया, लेकिन फिजिसिस्ट ने जलजलों से आने वाली शुआओं से इसके मरकज का अंदाजा लगाया है। जमीन का मरकज लोहे और दूसरी धातुओं का बना हुआ है। ये दो हिस्सों में तकसीम है, एक ठोस अंदरूनी हिस्सा जिसको सॉलिड इनर कोर कहते हैं और दूसरा एक माया बैरूनी हिस्सा जो कि लिक्विड आउटर कोर कहलाता है। अंदरूनी हिस्से से आने वाली गर्माहट की वजह से बैरूनी हिस्से का लिक्विड हरकत में आता है। जमीन की गर्दिश की वजह से कोरियालिस इफेक्ट वजूद में आता है, जिसकी वजह से हवाओं के भंवर यानी साइक्लोन आते हैं। इसी कोरियालिस इफेक्ट की वजह से जमीन के मरकज में मौजूद लोहे के भंवर बन जाते हैं। आयरन के एटम और इनके इलेक्ट्रॉन के हरकत में आने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और जैसा कि हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, अगर एक मेटल कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरे तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड दायरे की शक्ल में पाया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जमीन के अंदर लोहे के घूमने की वजह से उसका इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड वजूद में ले आता है। अगर जमीन का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो क्या होता? सूरज से आने वाली सोलर विंड ना रुकती और जमीन की फजा जमीन से छिन जाती और सांस लेने के लिए हवा तक ना होती। बिल्कुल मरीख की तरह, मरीख के मरकज में लोहा और दूसरे धातु हरकत में नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीख का मैग्नेटिक फील्ड इंतहाई कमज़ोर है, इसीलिए उसकी फिजा उससे छिन गई है, लिहाजा वहाँ ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी लवाजमात मौजूद नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।